नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम न्यूज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा, ये जानबूझकर के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। समाजवादी के कार्यकर्ता या नेता डर जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि आप लीडर अपोजिशन हो तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। और क्या कहा उनने, देखिए। ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ, इरफान सोलंकी से आप लोग वही है। इरफान सोलंकी से आप मिलने के उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप कह जाएंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखे कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर पोजिशन हो, आप पूर्ण मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 के लिए जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए देखते रहें केएम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।